हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नवान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सबका खैर मकदम है स्टार न्यूज एक्सप्रेस पर। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल मेंबरान ने यौम आज़ादी के मौके पर हेड ऑफिस रेती बोली पिलर नंबर 54 पर झंडा लहराया और आवाम से खिताब करते हुए कुछ अहम बातें कहीं। आए सुनते हैं ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल मेंबरान की जुबानी। तेज खबरों के लिए स्टार न्यूज एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। आप तमाम तेलंगाना की आवाम, खुसूसी हैदराबाद के लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और आज हलका गोलकुंडा, रेती बोली हेड ऑफिस और हैदराबाद के कई हलकों में फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम अमल में आया है। मैं इमरान खान, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल और IHO ग्रुप का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती इरफान साबरी और हम तमाम जो है बोर्ड मेंबर्स ये फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करें और तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से इंडिपेंडेंस डे मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम तेलंगाना की आवाम से कि हम हिंदुस्तान में जो है आगे चल के हर वो चीज़ से ज़िम्मेदारी निभाएंगे और तेलंगाना की हुकूमत से भी जो है मुतालिबा है कि आगे चल के फ्यूचर में जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जो 12% रिज़र्वेशन है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिस पे हम उम्मीद कर रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से। तो लिहाजा मुसलमानों को 12% रिज़र्वेशन की बात है और सेग्रेटेड की बात है, तमाम चीज़ों में भी हम एक आवाज़ रहेंगे। और रही बात उर्दू लैंग्वेज की भी जो है तकरीबन सुनने को आ रही है, जैसा कि हाईटेक सिटी का ब्रिज और गोलकुंडा किले का जो है बोर्ड, ऐसे तीन चार वाक़े देखने को आए हैं कि वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज का भी जो है मेंशन नहीं किया गया। तो तेलंगाना हुकूमत से खुसूसी अपील है कि इस बारे में भी गौर फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम। मैं इरफान साबरी, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से सारे आलम के लोगों को हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो और फिर हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, तमाम सेक्युलर लोग जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और मोहब्बत कायम रहे और हिंदुस्तान सारे आलम के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक सुपर पावर मुल्क बनकर उभरे, उसके लिए हम दुआ करते हैं और खुशकामनाएँ हैं। खसूसियत के साथ में हमारा जो यूनियन है वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत बने वो हुकूमत हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाए। जिस तरह के एक ज़माने के अंदर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, इस तरह दोबारा हम चाहते हैं कि सोने की चिड़िया दुनिया के अंदर दोबारा उभर कर सामने आए। इसके साथ में हम हिंदुस्तान और तेलंगाना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो इंसानों के लिए अल्लाह पाक ने आप लोगों को हुकूमत दी है तो वो काम आप पूरा करें। जो मुतालबात है ह्यूमंस के और इसके अलावा मुसलमानों के हो, चाहे हिंदुओं के हो, क्रिश्चियंस के हो, इन सारे मुतालबात को
एक नज़र में पूरा करें, किसी के अंदर भेदभाव ना करें। अगर हम इस तरह काम करेंगे तो हुकूमतें हमेशा बाकी रहेंगी, लोग उनको दुआएँ देंगे और उनकी एक तारीख लिखी जाएगी। लिहाजा इसी तरह से जो मसाइल, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जो मसाइल पर गौर करना है हुकूमत को, उन मसाइल पर ध्यान दे, खुसूसियत के साथ में जो सेक्रेटरीट की मस्जिद का मामला है, वहाँ के मंदिर का मामला है, और इस तरह हिंदुस्तान भर के अंदर जो हालात बदल रहे हैं और ख़ासतौर से बेंगलुरु के अंदर जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर मुसलमान काफ़ी परेशान हैं एक मसले को लेकर, और ऐसे ही किसी भी मज़हब के साथ में हम छेड़छाड़ ना करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हर मज़हब का हम एहतराम करें। ये मुल्क और खुसूसियत के साथ ये इंडिपेंडेंस डे हमें यही सिखाता है कि हम हर इंसानों के मज़हब का पास व लिहाज रखें, और इस तरह हम मोहब्बत से अमन के साथ में रहेंगे तो इंशाल्लाह वो दूर दूर नहीं, जो सोने की चिड़िया जो उड़ चुकी है वापस हिंदुस्तान में आएगी, और हिंदुस्तान एक सुपर पावर मुल्क की तरह इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इसी तरह उर्दू लैंग्वेज है और दीगर लैंग्वेजेस है, जो भी लैंग्वेजेस जो काबिल एहतराम है और हर आदमी अपने लैंग्वेज को पसंद करता है, ऐसे ही उर्दू लैंग्वेज के लिए भी हैदराबाद और लखनऊ खसूसियत के साथ सारे आलम में जाना जाता है, तो उर्दू लैंग्वेज का भी एहतराम करें और हुकूमत इस तरफ तवज्जो दें, जो बोर्ड्स के ऊपर उर्दू लैंग्वेज के फ़ुकदान हैं उसको भी पूरा करें। इसी के साथ ऑल इंडिया जनरल एक्शन काउंसिल की तरफ से सारे हिंदुस्तान को और सारे आलम को इंडिपेंडेंस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।